नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन नेशन। मैं हूं आपके साथ मेघा। सिराथू सीट से केशव प्रसाद मौर्य की हार के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया है। केशव प्रसाद मौर्य को सजा के रूप में विभाग छीन लिया गया। आपको बता दें, पीडब्ल्यूडी जैसे अहम विभाग को केशव प्रसाद मौर्य से वापस ले लिया गया है, जिसके बाद ये लगातार कहा जा रहा था कि केशव पार्टी के इस फैसले से काफ़ी ज़्यादा खफा हैं। फिलहाल हम आपको बता दें, सोशल मीडिया पर केशव प्रसाद मौर्य ने कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। नाराज़गी के बीच केशव प्रसाद मौर्य मिलने पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से। तस्वीरों को आप इस वक्त हमारी रिपोर्ट में देख सकते हैं। इस मुलाकात के बाद ये कहा जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य अपने दिल की बात पीएम मोदी और अमित शाह को बताने के लिए पहुँचे हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर केशव प्रसाद मौर्य लिखते हैं, मां भारती की सेवा में समर्पित विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं व नौजवानों के भविष्य, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से संसद भवन में आत्मीय भेंट कर गांव एवं गरीब के विकास से संबंधित विषयों पर मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद प्राप्त किया। आपको बता दें, केशव मौर्य की नाराज़गी को लेकर खबर आ रही थी, लेकिन फिलहाल पार्टी हाईकमान ने उन्हें सख्त निर्देश दिए हैं कि फिलहाल जो भी विभाग दिया गया है उस विभाग पर काम करो, जो भी जिम्मेदारी दी गई है सिर्फ और सिर्फ उस जिम्मेदारी को निभाओ। नेक्स्ट नाइन न्यूज़ नेशन की रिपोर्ट।